Hi everyone, welcome back to Shom's IAS. So our last class we read about purchasing power parity and the relation between GDP as purchasing power parity and GDP at real terms, right? दोनों के बीच में differences क्या होती हैं और जो differences होती है उसके वजह से impact क्या होता है. And we read about the purchasing power parity in a earning term. For example, एक बंदा अगर purchasing power parity अगर उसकी इंडिया के अंदर देखी जाए और वही अमेरिका के अंदर देखी जाए तो डिफरेंस क्या आता है. एंड वी फाउंड दैट कि इंडिया के अंदर जो बंदा कमा रहा है और जो US में कमा रहा है अगर सेम वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम कंपेयरली बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर. ये सारे पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो इंडिया के अंदर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राइट? तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और रियल टर्म के अकॉर्डिंग भी देखते हैं. क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है, जो कम्योडिटी इंडिया के अंदर किसी प्राइस में मिल रही है सेम कम्योडिटी किसी दूसरे देश में कितने प्राइस में मिल रही होगी. ऑब्वियस सा क्वेश्चन है ना बॉस. इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे जो वैल्यू में चेंज है वो ज़्यादा नहीं है, है ना? तो अगर हम देखें कि जो एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो $1 इज इक्वल टू 75. इस हिसाब से हमने देखा कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट अगर हम जीडीपी एट रियल टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम ऑलमोस्ट 8 या 9 नंबर पे स्टैंड करते हैं, राइट? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आते हैं? फिर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस इसलिए आते हैं बिकॉज हमको आईएमएफ को डेटा प्रोवाइड करना होता है. वो हम पैसों में तो प्रोवाइड नहीं कर सकते रुपीज़ में, राइट? इसीलिए हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, राइट? और ये दोनों वैल्यूज़ हम उधर पर देते हैं. सो आज जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है द चेंजेस मेड टू द जीडीपी कैलकुलेशन. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्या क्या चेंज हुए थे ये कुछ 2 या 3 पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस करूँगा अभी. सो इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म और शुरू करते हैं, राइट? सो नो फर्दर डिलेज, लेट्स स्टार्ट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस मेड इन जीडीपी कैलकुलेशन. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट होता है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चेंज फर्स्ट, चेंज फर्स्ट क्या है? सबसे पहला तो केस ये है कि हम पहले जो जीडीपी कैलकुलेट करते थे वो जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, ठीक है? अभी फिर क्या हो गया पेन को? एक मिनट बस, मैं पैड रीसेट कर लेता हूँ. हाँ चल पड़ा. ओके, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे? ओके, फर्स्ट चेंज. सो फर्स्ट चेंज में हमने डिस्कस करा कि पहले जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में करते थे, राइट? तो हमने शिफ्ट किया है जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट में. तो फर्स्ट ये है शिफ्टिंग फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब ये कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी था, राइट? अगर आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझोगे दोनों के बीच में रिलेशन आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. फैक्टर कॉस्ट क्या है?
मान लो ए बी सी नामक कोई जगह है और ये प्रोडक्शन करता है ना, कुछ प्रोडक्शन करता है। अगर ये अपने ही एरिया के अंदर कैलकुलेट करे कि मैं ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 आर्टिकल बनाता हूँ, राइट। अब इन 6 आर्टिकल की कीमत है 10 रुपये, तो 6 आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, तो 60 रुपीज़ का GDP दिखा रहा है ना। बट मार्केट के अंदर तो ये 60 रुपीज़ नहीं होगा ना बॉस, क्योंकि जब ये यहाँ से आगे निकलेगा मार्केट में तो इसके इसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे होंगे कि नहीं बॉस। तो मान लो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं यहाँ पर 30 रुपीज़ का, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 रुपीज़। तो GDP के अंदर 90 रुपीज़ फ्लोट कर रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए ये देखा कि जो GDP एट मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा रिलेवेंट वैल्यू देगा, इसीलिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट को हमने लेना बंद कर दिया, राइट। ये फर्स्ट चेंज किया, तो इस चेंज को आप नोट डाउन कर देना, ओके। नेक्स्ट देखो सेकंड चेंज, चेंज नंबर 2। चेंज बेस ईयर क्या था भाई, पहले बेस ईयर बताओ जरा, बड़ा है ना। 2004 टू 2005 ये पहले का बेस ईयर था, हमने यहां से शिफ्ट कर लिया। अब हमारा न्यू बेस ईयर क्या होगा, न्यू बेस ईयर जो हमने 2015 के अंदर डिसाइड किया है ये, राइट। तो इसको याद रखना, न्यू बेस ईयर होगा 2011 टू 2012। अच्छा ये क्यों चेंज किया होगा, बहुत कॉमन है, बिकॉज देखो इस वक्त में ना और इस वक्त में ऑलमोस्ट 8 से 9 साल का डिफरेंस है ना, डिफरेंट लगभग 8 से 9 साल का डिफरेंस है। अब देखो 8 से 9 साल के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हो जाते बॉस, है ना। बहुत सारे ऐसे कम्योडिटी थे न्यू, जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, ओके। ये जो न्यू प्रोडक्ट्स है ये पहले इसके बेस ईयर के इन इन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए वहां पर कोई बेस ईयर में था ही नहीं वैल्यू, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए डिसाइड किया गया कि ये बेस ईयर को शिफ्ट करके अब ये बेस ईयर कर दिया जाएगा 2011 और 2012, राइट। तो इसको याद रखना है आपने, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ था। अगर आपको याद है मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कहाँ से आती है, प्राइस फ्रॉम बेस ईयर। जब GDP कैलकुलेट करते हैं जो प्राइस आता है वो बेस ईयर से आता है, बट जो क्वांटिटी है वो आता है करंट ईयर से, राइट। ये पॉइंट याद रखना, इसको भूलना मत, ओके। चलो नेक्स्ट चेंज डिस्कस करते हैं, चेंज नंबर 3। चेंज नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये है डेटा पिकअप, डेटा पिक अप। ये जो डाटा पिकअप है ये कहाँ से करेंगे हम डेटा पिकअप, ओके। इसके भी दो कॉन्सेप्ट है, इसको देखो। अब जो डेटा पिकअप है इस ये जो डाटा है ऑलमोस्ट GDP में कितना कहाँ से आया है, ये पहले दो एजेंसीज काम करती है, राइट। इसके लिए इसको याद रखना, पहले पहले एक एजेंसी काम करती थी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको ASI बोलते हैं, ठीक है, ASI, ओके, एनुअल
survey of industries, annual survey of industries पहले ये करती थी before, right? बट आज के टाइम पे जो हम डाटा उठाते हैं, जो हमारा CSO, राइट, ये डाटा कौन उठाते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस वाले, ठीक है, उनके नुमाइंदे आते हैं मार्केट के अंदर, ये डाटा कलेक्ट करते हैं. बट नाउ अब हम डाटा उठाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से. कहाँ से भाई? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से. ओके, एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर जो डाटा होता है ना वो बहुत हॉच पॉच होता है यहां पर, राइट. बट हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने एक सॉफ्टवेयर का मदद लिया और वो सॉफ्टवेयर को ये बोलते हैं MCA/21. ओके, ये सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना. ओके, MCA/21 ये सॉफ्टवेयर का नाम है. ये एक प्रकार का डेटाबेस है. अब क्या हुआ, इस सॉफ्टवेयर की वजह से डेटा को कलेक्ट करना बहुत इजी हो गया और बहुत सारे डाटा एक ही जगह में कंपाइल किया हुआ मिल जाता है, सो दैट कि कैलकुलेट करने में इजी होता है. तो ये तीन चेंजेस हमने किए हैं GDP कैलकुलेशन में. फर्स्ट क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम GDP एज फैक्टर कॉस्ट टू GDP एट मार्केट प्राइस. सेकंड चेंज हमने किया था बेस ईयर के अंदर, जहां पर बेस ईयर को 2004 and 2005 से शिफ्ट करके 2011 and 2012 में कर दिया गया. यहां पर याद रखना, जो बेस ईयर होता है उसमें हम सिर्फ प्राइस लेते हैं और जो आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, वो हम करंट ईयर का ही कैलकुलेट करते हैं. थर्ड हमने बात किया कि ये जो GDP कैलकुलेट करने के लिए CSO वाला डाटा उठाते हैं, कहाँ से उठाएगा? ये पहले उठाया जाता था एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI से, बट इसको बाद में क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया जिसे MCA21 बोला जाता है. वो एक प्रकार का डाटाबेस है, वहाँ पर बहुत समराइज फॉर्म में ये डाटा मिलता है. तो अब जो डाटा पिकअप होता है, डाटा पिकअप यहाँ से किया जाएगा. ओके, चलिए. सो पिछले वाला जो चैप्टर का सिनेरियो था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर से नया टर्म शुरू होता है. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा. ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. अब आप ये चीज देखो, अगर हम पूरे दुनिया का इकोनॉमी को देखें ना, वर्ल्ड्स इकोनॉमी यहां से तीन चीजें निकलती है. फर्स्ट निकलती है कैपिटल, कैपिटल इकोनॉमी. सेकंड निकलती है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड जो थर्ड निकलती है मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, ये तीन टाइप्स के इकोनॉमी निकलते हैं. ये जो फर्स्ट इकोनॉमी है, इसको कैपिटल इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं पूंजीवादी, है ना.
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सोशलिस्ट को बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जांपल इंडिया अपने आप में है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा इकोनॉमी नहीं है जो मिक्स ना हो। बस कोई ऐसा होता है, मान लो कि इधर पर कम्युनिज्म है, ठीक है, और उधर पर आगे जाके कैपिटलिस्ट है, राइट। कोई भी इस एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा बॉस, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कैपिटलिस्ट है या फिर ये कम्युनिस्ट है, नहीं। ऐसा कोई भी आज के टाइम पे अगर एग्जांपल देखो, चाहे रशिया देखो, अमेरिका देखो, दो या चाइना देखो, सिर्फ ऐसा है कि ये जो मिडल पाथ है ना, इस मिडल से वो किस तरफ को है और कितने दूर है, राइट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, कोई बिल्कुल यहाँ पर होगा। ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट पे कोई नहीं होता है। अगर हम लिटरली बोलना शुरू करें कि ये कैपिटलिस्ट है या फिर ये कम्युनिस्ट है, तो ऐसा आज ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। हाँ, कोई हो सकता है कि मोर कम्युनिस्ट है और कोई वही मोर कैपिटल है, राइट। कंप्लीट ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर प्राइवेट है वहाँ पर टोटल प्राइवेट डोमिनेशन है, जहाँ पर कम्युनिस्ट है वहाँ पर टोटल गवर्नमेंट का डोमिनेशन है, वहाँ पर प्राइवेट एंटिटी भी उठ के आती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो चाइना की बात करो, राइट, चाइना में क्या होता है, सारा यहाँ पर कम्युनिज्म है, बट कम्युनिज्म होने के बाद भी क्या यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी नहीं उठती थी? आप लोगों ने अलीबाबा के बारे में सुना होगा, राइट, alibaba.com, राइट। सो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि मतलब ठीक है आप कम्युनिस्ट तो होंगे, बट वहाँ पर समहाउ मान लो कि कोई 80% है या फिर मान लो 90% है, तो कहीं ना कहीं स्कोप 10% के लिए भी होता है बॉस, है ना। 90:10 का रेशियो, 10% का रेशियो चलता ही है, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर 100% कम्युनिज्म हो गया, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ये रफ वर्क है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ज़्यादा होगा, मोर प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप ज़्यादा होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर ही काम कर रहा होगा, और ये हमेशा ऑफकोर्स यहाँ पर सोच के देखो, अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइवेट एंटिटी ही डोमिनेट करती है, तो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उनका जो मोटिव होगा वो क्या होगा, ओनली प्रॉफिट, ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी लिखना। मान लो अगर कोई सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, क्या वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा? सोच के बताओ, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए किसी भी हाल पे, क्या वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा? तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, मान लो आपके आपकी जो गली है उसमें 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोग अच्छे पॉश हैं, बट बाकी के 3 लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ये जो पॉश लोग होते हैं, अगर ये कुछ काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करने का सोचे जिससे पैसा जनरेट होगा, तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, और ऐसा नहीं सोचे कि गली के उस तरफ जो 3 घर हैं हम उसका भी डेवलपमेंट करते हैं, उनको भी थोड़ा सा चंदा देते हैं या फिर उनको भी इंक्लूड करते हैं इस बिज़नेस के अंदर, सो दैट कि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, नहीं, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सबको मिलजुल के एक साथ काम करना, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, राइट। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट। सो यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा क्या? आंसर है नो, है ना। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं बिकॉज ये रास्ता खा गया इसका, है ना, इतना रख देता हूं। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसे जगह पे नहीं दिखाई देती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी को हिंदी में बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो मेनली होता है, मेनली गवर्नमेंट
ऑनरशिप, राइट। इसको भी मैं ना नीचे को लिख लेता हूँ, कम ऑन। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है। सो ऐसे केस में यस इंक्लूसिव डेवलपमेंट दिखती है। ठीक है, ऐसे केस में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमको दिखाई देती है। सो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता। ओनली प्रॉफिट नहीं होता है। ओनली प्रॉफिट का मतलब क्या है, नहीं प्रॉफिट के बारे में तो क्यों नहीं सोचिए, जो भी कुछ कर रहा है ऑफकोर्स वो उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, बट सिर्फ प्रॉफिट के बारे में देखे और उसके उसके बीच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना, वैसा नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी को देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक यूनिकनेस देखने के लिए मिलेगी, पब्लिक प्लस प्राइवेट ऑनरशिप की। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप की एक यूनिकनेस देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैक्स क्या होता है, यहाँ पर मैक्स रूप में ये देखा जाता है कि ये लोग ग्रोथ तो करते हैं, प्लस पर साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं, राइट। सो ये मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को आइडिया है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, इतना दिमाग या फिर बाल कोसने वाली बात है नहीं। सो एक बार पढ़ लोगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ यूनिक वे में, ताकि आपके दिमाग में रहे ये। ये अब यहां पर देखो, ये वाला जो एक्सट्रीम एंड है ना, ये एक्सट्रीम एंड है कम्युनिज्म, ओके। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑनरशिप यहाँ पर ज़्यादा होगी। और ये जो दूसरा एंड है वो है प्योर कैपिटलिस्ट। यहाँ पर जो ज़्यादा आपको मिलेगा जो ऑनरशिप वो मिलेगा प्राइवेट एंटिटी का, ओके। ये याद रखना है आपने, ठीक है। सो बाकी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, वो ये बता रहा था, ये बिल्कुल बीच में आएगी मिक्स्ड इकोनमी, राइट। अब मिक्स इकोनमी मतलब इस मिक्स इकोनॉमी के इधर को और मिक्स इकोनॉमी के इधर को, यहाँ अगर हम इस तरफ को चल रहे हैं तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट, अगर हम इधर को चल रहे होंगे तो ये हो जाएगा कैपिटलिस्ट,
ओके सो ऐसे केस में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर आपको मिलेगा फ्री मार्केट, इसको फ्री मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको यूज किया जाता है। और इस केस में क्या बोलते हैं, प्लांट, प्लांट इकोनॉमी, ठीक है। ये सारे टर्म इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, जब भी पेपर में आए तो इजी लगे, ठीक है, कहीं पर सुना लगे तो आप कर लोगे आराम से। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, जो बिल्कुल पॉइंट में तो कोई नहीं होता, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताऊँ, है ना, उसके आसपास जो होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, या फिर रशिया हो गया, राइट, इसी के बिल्कुल आसपास, थोड़ा कम, जहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइवेट एंटिटी का काम बहुत दिखाई देता है, जैसे चाइना, वेनेजुएला, राइट। बाकी इस तरफ को अगर आएंगे तो एग्जांपल है जैसे फ्रांस, ठीक है, और स्वीडन, हाँ, स्वीडन भी, ठीक है। और बिल्कुल एक्सट्रीम के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास दिखाई देते हैं यूएसए और जापान, ठीक है। ये कंट्रीज़ का कुछ क्लासिफिकेशन है ताकि आप ये चीज़ समझ जाए कि कुछ भी बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं होता, है ना, कुछ भी बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं होता। होता क्या है कि हम इसके जितने क्लोज होते हैं, उसकी जो विचारधारा होती है, उसे उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, क्लियर है। सो जो बिल्कुल कम्युनिज्म की तरफ होगा तो वो अपने आप को प्लान इकोनॉमी बताना शुरू करेगा, बताएगा, और ये बिल्कुल एक्सट्रीम होते जाएंगे जितना इस तरफ को आते जाएंगे, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि कौन सी कंट्री की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट क्यों होती है। लाइक रशिया है, उनकी पॉलिसी चाइना से थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी को थोड़ा सा लिबरेशन मिलता है यहाँ पर, ओके, सो आए। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं इन सारी चीज़ों का ताकि आपको याद हो जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले है कैपिटलिस्ट, सो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट में जो मेन फोकस होता है, कैपिटलिस्ट को बोला जाता है जैसे मार्केट, मार्केट फोकस्ड, ओके, ये सारे अलग अलग टर्म इसीलिए हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, इसलिए मैं सारे टर्म यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मार्केट फोकस्ड एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन रेगुलेट्स करता है इकोनॉमी, ठीक है। अगर दूसरा आ जाए सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में क्या होता है, स्टेट फोकस्ड, ठीक है, स्टेट फोकस्ड। अब यहां पर इकोनॉमी चलती है टारगेट ओरिएंटेड, ओके, ओके। थर्ड आ जाता है
मिक्स्ड। अब मिक्स के अंदर क्या होता है, आपको समवेयर अराउंड फीचर्स ऑफ बोथ मार्केट एंड स्टेट, यहाँ पर फीचर्स ऑफ बोथ मार्केट प्लस प्लांट या फिर स्टेट बोल दो, स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, दोनों के मार्केट और स्टेट्स के इकोनॉमी मिलते हैं, उसके उसके दोनों के क्रस्ट या फिर दोनों का कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस दिखाई देता है मिक्स्ड के अंदर, ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज किया होता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो इंडिया के अंदर एक फार्मर है, ठीक है, ये भाई साहब क्या करते हैं, कुछ टोमेटोज उगाते हैं या पोटैटो वॉट एवर, अब टोमेटोज उगा रहे हैं, है ना। अब इनके पास क्या है, इनके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, अब ये बेचने के लिए इसे प्राइवेट एंटिटी के पास भी जा सकते हैं या फिर सेल्फ खुद भी बेच सकते हैं, राइट, अपना ठेला लगाए वहां पर भी बेच सकते हैं, या फिर इनके पास ये रास्ता है कि ये आगे जाके एमएसपी में फायदा उठाए, राइट। देखो एमएसपी फ्री मार्केट तो है नहीं ना, एमएसपी फ्री मार्केट है क्या, नहीं, ये एमएसपी का मतलब क्या है, मैं आपको कम से कम इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो फ्री मार्केट का केस तो नहीं है ये, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बट कहीं ना कहीं फ्री मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी दिया है कि आप यहाँ पर भी जा सकते हो, है, या फिर आप आगे जाके अपना भी बेच सकते हो, अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वापस आके कम से कम आपको एमएसपी तो मिलेगा ही, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको डिक्लेयर करा है, उसके अंदर तो आपको पैसा मिलेगा ही, राइट। तो ये एक एग्जांपल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, राइट, आई एम श्योर कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ तक कोई ज़्यादा डाउट रहना नहीं चाहिए। सो देखो चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा चाय पानी करते हैं, रेस्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ा लंबा हो गया और थोड़ा समझने के लिए भी है। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं, ओके, टिल देन बाय।